जैसा कि हमारे स्कूल के सभी जो छात्र और छात्राएंगण हैं इन्हों पता होगा कि आप लोगों को काफ़ी दिनों से मांग था कि ये छोटा बच्चा शिवांश है इनसे थोड़ा मिलवाइए। तो आप लोगों की मांग पर हम आज इनके मतलब इनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मतलब आप लोग हर वीडियो में जो इनका मतलब देखते हैं नॉलेज इनका कितना है और पढ़ाई किस तरह से करते हैं इस विषय में थोड़ा ये हमें बताएंगे, उसी तरह से आपको भी मतलब सीखने का थोड़ा एक बढ़िया सा ज्ञान मिलेगा। तो आइए हम इनसे इस विषय में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। और शिवांश ठीक है, नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, हम बहुत बढ़िया है। ये बतावा जैसे कि अब गर्मियों छुट्टी हो चुका बा तो अब हर लड़के ने की तरह तू घरे पे खेलत है कि पढ़ाई में तुम्हारा मन बढ़िया लागत बा? पढ़ाई करे तो खेला थी। अच्छा खेला था। हाँ? अच्छा, और कब कब मतलब पढ़ाई ज्यादा ध्यान देते हैं? कितना घंटा दिन भर में पढ़ाते? आधा घंटा पढ़ी थी फिर खेला थी। अच्छा आधा घंटा पढ़ाते। हाँ? अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए भारत के राज्य के जिला का नाम तो कुछ बता सकते थे ना आप? थोड़ा कोशिश करें, देखते हैं सब सामने एकदम। हम पहले बताएं उत्तर प्रदेश के। बहुत बढ़िया, हाँ उत्तर प्रदेश बता दिया। वाह बहुत बढ़िया, कैसे तो होकर इतना बढ़िया याद हो गया, हम का सब बनाए हो? हम पढ़ाई करी थी। अच्छा बहुत पढ़ा था। हाँ? अच्छा ये बताओ इतना बढ़िया तो का याद हुआ तो कहाँ खास है तू? काजू बादाम खाई था कदम। वाह भाई वाह, काजू बादाम। अच्छा समहू तब खा फिर हमहू खबे याद हुए। किशमिश खाई थी। अरे राम किशमिश तब तुहार दिमाग वो तेज है। अच्छा और कौन राज्य का नाम तो का राज्य के जिले का नाम बांटे याद? हाँ बिहार सुना हुआ। किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिमा, बक्सर, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मध्यपुर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, वैशाली, सिवान, शेखपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा सिवान ये बताओ तुम्हारे घर जोन है कौन से जिले में पड़त है? जौनपुर। वाह बहुत बढ़िया, और जौनपुर के डीएम के है बता सकते? अनुज कुमार झा। बहुत बढ़िया अनुज कुमार झा। अच्छा ये बतावा और कौन राज्य के जिले का नाम बताओ तो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ। मध्य प्रदेश पूरा बता लिए बे? हाँ बता ले। अच्छा सुनावा हम के। हमने वीडियो में देखा है आप बहुत बढ़िया पहाड़ा सुनाते हैं, तो कितने तक आप पहाड़ा आपको आता है थोड़ा बताइए तो? 67 तक पूरा आता है। हाँ। अच्छा हमको आप जो है 63 का पहाड़ा सुना सकते हैं? हाँ, सुना सकते हैं। अच्छा तो देखिए आप लोग मतलब देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा है, हम लोगों को अभी 20 तक कोई पहाड़ा पूछ ले तो एक बार उसमें अटक जाते हैं नहीं बता पाते, लेकिन ये जो है 63 का पहाड़ा पढ़ने के लिए हमें सुनाने के लिए तैयार हो गया है। अगर कहीं आप लोगों को थोड़ा गलती या हो तो थोड़ा आप लोग तो मतलब इग्नोर करना और आइए आइए सुनाने का प्रयास करते हैं। तो सुनाओ 63। वाह भाई वाह, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है अगर कहीं पर कुछ गलती हुआ है तो आप लोग कमेंट करके इस पर थोड़ा बताने का प्रयास कीजिएगा।
कैसे याद हो गया आपको इतना? हमें तो नहीं याद होता। हम पढ़ाई करते हैं। वाह भाई, अच्छा आज मैं भी पढ़ाई करूँगा खुद। फिर जैसा आप सभी अभी ने देखा है, इस बच्चे ने मतलब कितना, 4 साल का छोटा सा बच्चा है और इतना मतलब बढ़िया लेवल से जो है पहाड़ा सुनाया, जो कि एक बार बड़े लोग भी मतलब सुनाने में अटक जाते हैं, और यह एकदम धारा प्रवाह सुनाते चला गया। तो इससे हमें सीखने को मतलब मिलता है कि आप भी अब इसी तरह अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें थोड़ा प्रेरणा स्रोत मतलब बनिए, और उन्हें भी इसी तरह से पढ़ाई में उनका मतलब मन लगे थोड़ा ट्रेंड करिए। इस तरह से इस बच्चे का भी थोड़ा अगर कहीं पर कुछ गलती हुआ हो तो उसे मतलब नज़रअंदाज करिए और इसका मतलब हौसला बुलंद कीजिए। तो आइए और भी इनसे हम थोड़ा जानते हैं इनको, इन्हें मतलब और क्या क्या मालूम है। शिवान से बताइए, आपके भारत देश के प्रधानमंत्री का नाम बता सकते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जिस राज्य में रहते हैं उत्तर प्रदेश, इस समय यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। वाह बहुत बढ़िया। और ये बताइए आपका जिला किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। और उत्तर प्रदेश में आपका जो है जिला पड़ता है, तो यहाँ आप जिस जिले में रहते हैं यहाँ का विधानसभा क्षेत्र में विधायक कौन? बहुत बढ़िया शिवान। जैसा कि आप सभी को पता है, देखने को मिला ही है, एक इतना बड़ा छोटा सा बच्चा और मतलब हमारे जितना भी इससे हमने प्रश्न किया उसका एकदम बढ़िया से जवाब दिया। इनसे यह प्रेरणा हमें मिलती है, इतना छोटा सा बच्चा इतना बढ़िया से मतलब अपने शिक्षा का प्रदर्शन किया, तो आप लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि छोटे से बच्चे आपके घर में भी हो तो उन्हें भी इस तरह से सिखाने का प्रयास करें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा।